बाप के दिन है। हाँ। इस बार तो लड़की अच्छी है ना? माँ के पूत, आसपास के 18 गांव जानते हैं कि काला ठाकुर लड़कियों के मामले में कभी मात नहीं खाया। अरे जिससे नजर फेरी वो नक, और जिस पे नजर डाली वो नगीना। देख वो आ गई। इस पे नजर मत डाल, ये मुझे पसंद है, इसको तो छोड़ दे, मेरे लिए बाप के दिन है। ए, तुमको गाना बजाना आता है? अरे तू क्या इससे ट्रेन में भीख मंगवाएगा क्या? ए, जब दो जवान आदमी बात करे ना, बीच में अपनी बूटी टांग मत घुसे। बोरा काला। ए, माकी। अरे बेटा, अपने बाप के साथ ऐसे सुलूक करते हो? ओ, तुम ये कामदेव की औलाद को जानती नहीं, ये तो मेरी वजह से चुप बैठा है, वरना अब तक तेरी भी। मुझे आपका डॉटर के साथ सेपरेट मीटिंग करना है। हाँ, हाँ, करो करो। चल चल चल। ए, गोरा गोरा गोरा, सुन सुन सुन, अकेले में मेरी बराबरी मत करना, जरा दूर से ही बात कर। हाय दया, समथिंग ने आँख मारी। क्या? क्यों जी, आँख क्यों मारते हो? नहीं नहीं, आँख नहीं मारी, वो क्या है, आँखें बूढ़ी हो गई है ना, पलके अपने आप गिर जाती है। भगवान के लिए अपनी पलके पकड़ के रखिए, मेरे पास एक ही बीवी है। ए, तू मुझे बहुत पसंद है। आई लव यू, यू लव मी? आई लाइक इट, मुझे शर्मला बहुत अच्छा लगता है। नो नॉट नॉट टचिंग। मैं मेरे बाप की तरह कमीना नहीं हूँ, वो टच करता है, मैरिज नहीं करता है। मैं तो मैरिज करूंगा, बाद में टच करूंगा, बाद में टच करूंगा। हाँ, मैरिज मैरिज, टचिंग टचिंग। ओके, चल चल चल, बैठिए बैठिए। अच्छा अच्छा, बैठिए बैठिए। आओ बेटा, मेरी बेटी से बात कर ली? अरे बहुत अच्छी है, बहुत शर्मीली है, अपनी जबान तक नहीं खोली। अगर शादी के बाद भी ऐसी रही तो हमारे खानदान के लिए बहुत अच्छा होगा। तुम फिक्र मत करो बेटा, मेरी बेटी मरते दम तक ऐसी रहेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि जन्म से गूंगी और बहरी है। गूंगी और बहरी, माने माइक और स्पीकर दोनों बेकार। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें नहीं बताया? मेरा बाप कहाँ गया? तो चला गया, चला गया साले बाप। अरे सुनो, कोई रिश्ता पक्का समझो? अरे हाँ। अरे सुनो।